जाएगा, मेरा हाथ अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, मुझे ज्यादा अब मुझे देखना पड़ रहा है ये कौन सा है, ये कौन सा है। पूरा स्टोरेज नहीं हुआ है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा मैं इसको प्रैक्टिस करता रहूंगा, ये मेरा काम अपने आप चलना शुरू हो जाएगा मुझे बिना जैसे बिना बताए। वही फंक्शन है, दिस इज ए सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पहले जब हमने सीखा, हमारी ब्रेन में जाके सेंसरी नर्व ने स्टोर किया, हमारे सेरिब्रम में। जब हमें उसको दोबारा रिकवर करना है तो पहले वो रिसेप्टर से जाना है। मैंने जैसे इस पे उंगली रखनी है, वो मेरे सेरिब्रम ने बताना है कि तूने इसको ये बताएगा, ये दबाएगा तो ये लेजर आएगा। वहां से फिर सेरिब्रम से नीचे टू द अपर मोटर न्यूरोन, फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, एंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू ऑर्गन या मसल, दैट इज ए लोअर मोटर न्यूरोन। जैसे ही ये यहां पे आके तो सिग्नल देते हैं, हमारा मसल जो है उस तरह मूव करना शुरू कर देता है, तो हम उस लेटर को देखते हैं। जैसे जैसे ये प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, केजी में होते हैं बच्चे, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं लिखने में दिक्कत आती है, जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, आज हमारी एज में हमें ये हमारे लिए ये इनवॉलंटरी मूवमेंट होगी, हम लिख रहे हैं फटाफट, लिख रहे हैं ये चीज लिखनी है, वो फंक्शन जो है फास्ट हो जाते हैं विद प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, दिस इज ए हाउ सोमैटिक नर्वस सिस्टम वर्क। इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। बेसिक रूट ऑफ द नर्व सिग्नल्स विद द इंफ्रंट सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व अ सीक्वेंस दैट बिगिंस इन द अपर सेल बॉडीज, अपर मोटर न्यूरॉन्स, विद इन द प्री सेंट्रल गायरस विच अप्रॉक्सीमेट द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ये जो एरिया है प्री सेंट्रल गायरस का, मोटर जो मोटर सिस्टम है हमारा।